Hello students, today we will talk about haloalkenes, nomenclature of haloalkenes, right? So first of all, haloalkenes, the symbol or the group representation of haloalkene is RX. R means alkyl and X means हैलोजन, जिसको हम हैलाइड्स भी बोलते हैं. दे आर द 17th ग्रुप एलिमेंट. कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लाइक दिस. ओके, एक्स मतलब एनी ऑफ वन एलिमेंट और वन एटम. सो एल्किल हैलाइड. से फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें एल्किल की जगह एक कार्बन रख देते हैं तो CH3Cl. सो दिस विल बी मैथाइल मिथाइल, दिस इज क्लोराइड. So this is the common name, right? Common name is alkyl halide. But if you talk about IUPAC name, right? IUPAC name, then first you need to write halide. Halide को आप क्या लिखेंगे सबसे पहले? Halo, right? और alkyl को आप change कर देंगे alkane में. Halo alkane. और L के आने पता है आपको नंबर ऑफ कार्बन होता है ना. इस केस में नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1. तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका नाम, जो IUPAC नेम है, हेलो. हेलो की जगह हम क्या लिखेंगे? हेलोजन एटम. इसमें कौन सा हेलोजन एटम है? इसमें क्लोरीन है, तो क्लोरो. कितना कार्बन है? L की जगह कार्बन एक है, तो 1 कार्बन को मैथ एंड देन ए एन ई सफिक्स, क्लोरोमीथेन. देन IUPAC नेम ऑफ दिस वन मिथाइल क्लोराइड इज क्लोरोमीथेन. तो कॉमन जो IUPAC नेम आप यूज करेंगे वो ये टर्म होगा. हैलो की जगह उस हेलोजन एटम का नाम रखेंगे एंड एल्केन एल की जगह नंबर ऑफ कार्बन रख देंगे. देन यू विल गेट द IUPAC नेम ऑफ हैलो alkene compounds. Okay, another example also you can see here. We can take another example. Say for example CH3 CH2 Cl, then how many number of carbon atom? 2. So here you can write ethene. Which halogen atom? Chlorine. So it is chloroethene. Like this you can have nomenclature of halo alkene compound. Let's see for the next one, that is arenes. Aromatic compounds ka nomenclature kaise karenge? Uske liye aapko term use karna hai. Similar term hai haloarenes, right? Haloarenes. Say for example, iska jo common name hai wo kya hai? Common name kya hai iska? Common name is bromo. Bromo. Aur ye ring kaun si hai? Benzene. तो ये हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन कॉमन नेम. IUPAC नेम की बात करेंगे तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? वही इसका IUPAC नेम है जो इसका कॉमन नेम है, राइट? वही इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नेम हो जाएगा. जैसे बेंजीन ब्रोमाइड तो आप नहीं बोलेंगे इसको, राइट? तो इसका नाम हो जाएगा सेम हैलोएरेन्स, ब्रोमो बेंजीन. क्लियर? अब इसमें पोजीशंस देख लेंगे हम कि अगर 1-3 पोजीशन है तो कॉमन नेम में हमें यूज करना है, इसकी बात करेंगे अब हम. कॉमन नेम इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेटा. मेटा को एम से, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन. डायब्रोमोबेंजीन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ 2 ब्रोमीन एटम है. मेटा यानी 1-3 पोजीशन पे, 1, 2 एंड 3, तो मेटा यूज करेंगे. अगर 1 और 2 पोजीशन पे होगा तो आर्थो यूज करेंगे, आर्थो डायब्रोमोबेंजीन, डायब्रोमोबेंजीन. और अगर 1-4 पोजीशन पे है तो पैरा डायब्रोमोबेंजीन यूज करेंगे, राइट? So in this way the common nomenclature is taking place. If we talk about the IUPAC nomenclature,
then what will happen? Here you can see numbering we have to write. 1 and 3. 1, 3, how many bromine? Di, bromo, benzene. This is its IUPAC name. Similarly, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, 2, dibromo benzene. इसका क्या हो जाएगा? 1, 4, dibromo benzene. This will be the IUPAC name. On the other hand, अगर tri position है, तो इसमें देख सकते हैं कि 1, 3 and 5 position पे bromine है. How many bromine? 3 bromine. तो symmetrical है ये एक दूसरे के, तो इसलिए symmetrical tri bromo benzene. This will be its common name. लेकिन अगर IUPAC name की बात करेंगे तो 1, 3, 5. Here we will write 1, 3, 5 tri bromo benzene. This will be its IUPAC name. अगर हम और भी IUPAC नाम की बात करें, जैसे एक example ये ले लेते हैं, इसमें सीधा स्ट्रेट चेन है, देयर इज नो ब्रांच चेन अवेलेबल हियर, राइट? CH3, CH2, CH2, Br. अब दिस कार्बन इज प्राइमरी कार्बन, दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन, राइट? दिस इज प्राइमरी कार्बन. तो जब भी प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन होंगे तो हम वहाँ पे नॉर्मल वर्ड का यूज़ करते हैं, नॉर्मल. और नॉर्मल वर्ड जब यूज़ करते हैं तो सिर्फ इसका N रिप्रेजेंट करते हैं. आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है N. हाउ मैनी कार्बन इज देयर? 3 कार्बन. सो प्रोपिल ब्रोमाइड, N प्रोपिल ब्रोमाइड, क्योंकि कोई भी ब्रांच चेन नहीं है इसमें, राइट? तो नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड. जब प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन होंगे तो नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड. अब इसका IUPAC नेम देख लेते हैं. हेलो एल्किन याद रखेंगे तो हेलो में क्या है हमारे पास? ब्रोमीन. तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो. कितने कार्बन है? 3 कार्बन. तो नाम हो जाएगा प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन. नाउ यू हैव टू लुक इनटू द पोजीशन. पोजीशन आपकी ब्रोमीन की कितनी है? यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2 एंड 3. पोजीशन ऑफ ब्रोमीन इज 1, फर्स्ट कार्बन. तो यहाँ लिखेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन है और प्रोपेन यानी 3 नंबर कार्बन चेन है. दिस इज IUPAC नेम एंड दिस इज कॉमन नेम. सिमिलरली हेयर ऑल्सो यू कैन सी दिस इज द ब्रांच कार्बन, राइट? यहाँ से हम देखेंगे 1, 2, ओके. देन कॉमनली हम इसको क्या बोलेंगे? आइसो प्रोपिल क्लोराइड. बट वेन वी आर राइटिंग IUPAC नेम देन वी शुड राइट 1 नंबर पे क्या है? क्लोरो, 1 क्लोरो. कितने कार्बन हैं टोटल नंबर में? और एल्स यू कैन राइट, यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे उस तरफ से, नंबरिंग करेंगे जहाँ से चैन पास होगी सबसे पहले. तो 1, 2 एंड 3. तो यहाँ देखेंगे 2 पोजीशन पे है, इसको हम सही कर लेंगे. 2 क्लोरो, हाउ मेनी कार्बन? 3 कार्बन. सो प्रोपेन, इसका ये IUPAC नेम हो जाएगा, ये इसका कॉमन नेम है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड. ऑन द अदर हैंड इफ वी लुक इनटू सी हियर, फर्स्ट वी विल सेलेक्ट द चेन. दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन विच वी हैव, राइट? हेयर ऑल्सो आइसो बिकॉज इट्स कार्बन, टर्सरी कार्बन इज प्रेजेंट, तो आइसो वर्ड का यूज होगा. आइसो, हाउ मेनी टोटल नंबर कार्बन? 1, 2, 3, 4. ब्यूटिल क्लोरीन इज प्रेजेंट, सो क्लोराइड. IUPAC नामेनक्लेचर में देखेंगे, नंबरिंग करेंगे 1, 2 एंड 3, राइट? सो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, राइट? हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 1, 2, 3. सो हेयर वी विल राइट प्रोपेन, इट विल बी इट्स IUPAC नेम. 1 फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है, सो 1 क्लोरो, राइट?
1, 2, 3, 4 सेटिस्फाइड है वैलेंसीज आपकी, आप देख सकते हो फर्स्ट पोजीशन पे नंबरिंग हमेशा ऊपर करना है 1, 2 एंड 3। सो फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है तो 1 क्लोरो, सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप है 2 मिथाइल और टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 3, सो प्रोपेन, राइट। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड यू कैन सी हेयर, हेयर ऑल्सो यू कैन सिलेक्ट द लॉन्ग चेन, ओके, एंड आफ्टर सिलेक्टिंग लॉन्ग चेन स्टार्ट राइटिंग काउंटिंग फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप साइड। सो हेयर यू कैन सी 1, 2 एंड 3। सो फर्स्ट वी विल, व्हाट वी विल राइट, कितने मिथाइल ग्रुप हैं, 2 मिथाइल ग्रुप हैं सेकेंड पोजिशन पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 2 डाई मिथाइल 1 क्लोरो, कितने कार्बन है, प्रोपेन 3 कार्बन, सो हेयर इट विल कम लाइक दिस प्रोपेन। व्हाई वी हैव रिटन हेयर मिथाइल फर्स्ट एंड हेयर वी हैव रिटन मिथाइल एट द आफ्टर ऑफ क्लोरो, when you are writing these terms you need to look into the alphabetical part, here you see C comes first then M, here D comes first 2,2-dimethylchloro, तो यहाँ पर हम इसको correct कर लेंगे, है ना, here you can see यहाँ लिखेंगे 1 chloro because C comes first, 1 chloro 2,2-dimethyl प्रोपीन, इट विल बी इट्स वाट IUPAC नेम, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये कार्बन देखो आप, दिस कार्बन इज अटैच विद 4 अनदर कार्बन, सो क्वार्टरनरी कार्बन इज प्रेजेंट, एंड व्हेन क्वार्टरनरी कार्बन इज प्रेजेंट यू नीड टू राइट नियो एंड जस्ट टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 नियो पैंटिल क्लोराइड, नियो पेंटिल क्लोराइड विल बी इट्स कॉमन नेम एंड दिस विल बी इट्स IUPAC नेम, राइट। एंड द अदर हैंड एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका, राइट, इसका नाम क्या हो जाएगा, लॉन्ग चेन 1, 2, 3, 2 ब्रोमो प्रोपेन IUPAC नेम, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ब्रांच चेन है तो आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनकी नॉमेनक्लेचर करते हैं। वन मोर थिंग वी नीड टू लुक इनटू, दैट इज हैलाइड, व्हेन वी आर लुकिंग इनटू डायहैलाइड कंपाउंड्स, राइट, जब हम डायहैलाइड कंपाउंड्स की बात करेंगे तो जब डायहैलाइड कंपाउंड होंगे तो टू वर्ड्स यूज़ होते हैं, एक तो होता है एल्कलिडीन और दूसरा टर्म यूज़ होता है एल्कलीन, एल्क जहाँ पे भी है वहाँ आप नंबर ऑफ कार्बन को रिप्लेस कर देंगे, दैट इज इट, राइट। अगर हेलोजन एटम एक ही कार्बन से अटैच हैं, राइट, ये हम डायहैलोजन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, डायहैलोजन कंपाउंड, राइट, डायहैलोजन कंपाउंड में क्या कंडीशन होगी, आप ये देखिए डायहैलोजन कंपाउंड्स में 2 सिचुएशन होंगी, या तो हैलोजन एटम सेम ग्रुप से अटैच्ड हो या डिफरेंट कार्बन से अटैच हो, या तो सेम कार्बन से अटैच हो या डिफरेंट कार्बन से अटैच हो, या तो सेम कार्बन से अटैच हो या डिफरेंट कार्बन से अटैच हो, यदि इफ़ हैलोजन एटम सेम कार्बन से अटैच्ड है तो उसको हम एल्कलिडीन डायहैलाइड बोलेंगे, इफ हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद द सेम कार्बन देन वी विल राइट द नेम एल्कलिडीन डायहैलाइड, इफ हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद द डिफरेंट कार्बन एटम देन वी कैन राइट एल्कलीन डायहैलाइड, राइट। And in common name, we will use the term geminal halide or vicinal halide. If halogen atom is attached with the same carbon atom, then geminal halide, gem dihalide.
If it is attached with two different carbon atom, then vicinal dihalide. So here you can see CH3CH एक ही कार्बन से दोनों क्लोरीन अटैच्ड हैं. तो हमने क्या लिखा है इसमें, एक ही कार्बन से अटैच है तो हमने लिखना है L की जगह नंबर ऑफ कार्बन टू एथाइल एथ आइल आइडीन आइडीन डाई क्लोराइड. सो एथाइल आइडीन डाई क्लोराइड, इसको हम चूंकि सेम कार्बन से अटैच हैं दोनों क्लोरीन एटम तो हमने लिखा जेमिनल डाइहैलाइड. सो डाइक्लोराइड जेमिनल डाइक्लोराइड. हेयर यू कैन सी इट इज अटैच बोथ द क्लोरीन एटम इज अटैच विद द डिफरेंट कार्बन एटम. सो विसनल डाइहैलाइड जब अलग अलग एटम से अटैच होंगे कार्बन एटम से अटैच हो गए हैलोजन तो हमें एल्कलीन यूज करना है. तो एल की जगह एथ लीन डाई क्लोराइड. ओके okay.